पांचवा चरण आते आते नेताओं के तर्कश से आरोप प्रत्यारोप के तीर खत्म होते नजर आ रहे हैं। जिन्ना गन्ना से शुरू कर परिवारवाद, माफिया, दंगा, आतंकवाद से होते हुए रूस और यूक्रेन तक मामला जा पहुंचा है। अब ज्यादातर नेता पुराने आरोपों को दोहराते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाराबंकी की रैली में समाजवादी पार्टी पर फिर परिवारवाद का आरोप दोहराया। उन्होंने दावा किया कि वो परिवारों का दर्द खूब समझते हैं, भले ही उनका परिवार ना हो। मेरी मुस्लिम बेटियों बहनों को छोटे छोटे बच्चे लेकर के पिता के घर लौटना पड़ता था, तब तुम्हें परिवार का दर्द क्यों समझ नहीं आया? हम परिवार वाले नहीं हैं, लेकिन हर परिवार के दर्द को पहचानते हैं। हालांकि पीएम मोदी ये नहीं बताते कि इन्हीं चुनाव में बीजेपी ने अपने बड़े नेताओं के कितने नाते रिश्तेदारों को टिकट दिए हैं, लेकिन बीजेपी पूरे विपक्ष पर यही आरोप दोहराती है। इस पर अखिलेश यादव ने गोंडा में जवाब देते हुए कहा कि किसान आंदोलन में मारे गए 750 किसानों के परिवारों का दर्द जो नहीं समझते, वो परिवारवाद की बात करते हैं। हमारे बाबा योगी मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी कम से कम ये बताए कि जिसने डीजल महंगा कर दिया हो, जिसने पेट्रोल महंगा कर दिया हो, और कैसे लोग हैं जिनकी वजह से 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, क्या किसानों के परिवारों के प्रति इन्होंने शोक प्रकट किया कि जो लोगों ने 750 किसानों की जान ले ली हो वो परिवार वालों का दुख कभी नहीं समझ सकते। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उनके बयान के लिए धन्यवाद दिया है। अमित शाह ने एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में कहा था कि बीएसपी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी को दलित और मुसलमानों के साथ ऊंची जातियों के भी वोट मिल रहे हैं। मैं समझती हूँ कि ये उनकी महानता है कि उन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया है, लेकिन मैं उनको ये भी बताना चाहती हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस विधानसभा चुनाव में अभी तो 3 चरणों के वोट पड़ चुके, चौथे का आज पड़ रहा है, तो बीएसपी को अकेले दलितों का ही नहीं, मुसलमानों का ही नहीं, बल्कि अति पिछड़े वर्गों का भी और अपर कास्ट समाज का भी, अर्थात सर्व समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमेठी और सुल्तानपुर में रैली की। अमेठी में रैली करते हुए योगी आदित्यनाथ ने अहमदाबाद धमाकों के मामलों में साइकिल के बहाने समाजवादी पार्टी को खींचने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का मतलब आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करना है। समाजवादी पार्टी को वोट देने का मतलब पेशेवर माफिया और अपराधी को संरक्षण देने जैसा है, और समाजवादी पार्टी को दिया जाने वाला वोट आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बर्बाद करने जैसा है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी अमेठी पहुंची और जनसभाएं की। इससे पहले प्रियंका ने लखनऊ में कहा कि उनकी पार्टी आम लोगों से जुड़े मुद्दों को पहले से उठा रही है। अब समाजवादी पार्टी और बीजेपी को भी इन मुद्दों की बात करनी पड़ रही है। बाकी सारे खाली के खाली पड़े हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या उत्तर प्रदेश में आपको 12 लाख बेरोजगार नौजवान नहीं मिले? मुझे तो हर मीटिंग में मिलते हैं, इस मीटिंग में हजारों होंगे। तो उन्होंने रोजगार नहीं बनाए, अच्छा ठीक है, सरकारी पद नहीं भरे, रोजगार बनाने के और माध्यम होते हैं। प्रियंका गांधी ने माना कि अगर विपक्ष मिलकर बीजेपी से मुलाकात करता तो ज्यादा बेहतर नतीजे आ सकते थे। हालांकि वो ये भी कह रही है कि चुनाव के बाद विकल्प खुले हुए हैं। वहीं आम आदमी से जुड़े मुद्दों को लेकर जनता में इस बार काफी जागरूकता देखी जा रही है। यही वजह रही कि सोनभद्र में बीजेपी प्रत्याशी मतदाताओं को मनाने के लिए मंच पर ही कान पकड़कर उठक बैठक लगाते नजर आए। बस, बस।
मोटे तौर पर ये महसूस किया जा रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी, आवारा पशुओं और किसान की समस्याएं ही मुख्य मुद्दे हैं। ऐसे में कहीं कम मतदान तो कहीं ज्यादा मतदान को सभी पार्टियों ने अपने अपने पक्ष में बताया है, लेकिन ये साफ है कि नेता भले ही कितने भी नए नए अंदाज में एक दूसरे पर कीचड़ उछालें, लेकिन जनता अपना मन बना चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।